हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद शबनम किचन में स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे पालक की कचौड़ी। उसके लिए हम लिए हैं 200 ग्राम पालक। सबसे पहले हम पालक का डंठल तोड़ लेंगे यहाँ से और इसको साफ पानी में हम धो लेंगे। पालक हम धो के पानी निकाल लिए हैं तो अब इसको हम उबालेंगे। उबालने के लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म कर लिए हैं। पानी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम डालेंगे ये पालक। इसे हम 4 से 5 मिनट तक ही उबालेंगे, ज्यादा नहीं उबालना है। 5 मिनट हो गया है तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे। पालक हमारा ठंडा हो गया है तो इसे हम पीस लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता, जिससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है, और 2 हरी मिर्च। मिर्च आप नहीं भी दे सकते हैं, अगर तीखा थोड़ा खाना पसंद करते हैं तो 2-4 मिर्च दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मिर्च देने पे भी उतना तीखा नहीं होता है। तो इसे अब हम पीस लेते हैं। पालक हम पीस कर तैयार कर लिए हैं तो अब हम डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लिए हैं आटा। आटा अभी हम कम ही लिए हैं क्योंकि जब हम पालक का पेस्ट डालेंगे तो देखेंगे कि अगर गीला रहेगा तो थोड़ा और आटा ले लेंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना है। अब हम आटा में डालते हैं थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल। थोड़ा सा काला जीरा और इसमें अब हम ये पेस्ट डाल देते हैं। सारा पालक पेस्ट हम ले लिए हैं तो इसे हम मिक्स करते हैं। और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे, गीला नहीं करना है, नहीं तो हमारा पूरी जो है अच्छा नहीं बनेगा। और ये हमारा डो तैयार हो गया है, देखिए टाइट है। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम कचौड़ी बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है तो अब हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौड़ियाँ हम बेल लेते हैं तो उसके पहले हम इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। छोटा छोटा लेंगे। और इस तरह से लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। जब तक हम कचौड़ी बेल के तैयार करेंगे तब तक एक बर्तन में हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। सारा लोइयां बना लिए हैं तो अब हम कचौड़ी बेल लेते हैं। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल। और इस तरह से ज्यादा पतला नहीं करना है और ना ही मोटा रखना है। देखिए इतना मोटा रखना है। और इसी तरह हम सारे कचौड़ी बेल लेते हैं। सारा लोई का हम कचौड़ी बना लिए हैं तो अब इसे हम तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे ये कचौड़ी और हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए
रख देना है। और इसी तरह हम सारा कचौड़ी तल लेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि पालक का कचौड़ी है तो ये ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। सारा कचौड़ी हम तल लिए हैं तो इसे एक बर्तन में हम सर्व करने के लिए निकालते हैं। और यह हमारा पालक कचौड़ी बनके तैयार है। इसे हम मंचूरियन और दही के साथ सर्व किए हैं।